नमस्कार मित्रों, तो इस व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं छठ पूजा के लिए हरिद्वार और हमने अपने सफर की शुरुआत की है केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंगलोर से, जहां से हम जाने वाले हैं दिल्ली। बैंगलोर का एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट अक्रॉस द कंट्री। सो ये रहे कुछ छोटे से स्नैपशॉट्स। सुबह 4 बजे की फ्लाइट लेने के बाद हम लोग फाइनली लैंड करते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर एट 7 AM और हमें तुरंत ही ये फील होता है कि टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, क्योंकि हम लोग बैंगलोर से आए हैं और आपने बैंगलोर के वेदर के बारे में सुना ही होगा। तो अचानक से वो ठंड फील करने वाली जो फीलिंग थी बहुत दिनों बाद, बड़ा मज़ा आया। दिल्ली पहुंचने के बाद हम लोग जाते हैं गुरुग्राम की तरफ, जहां पर हम लोग मिलते हैं भैया के दोस्त अमरेश भैया से, जो हमें अपने ऑफिस का टूर देते हैं और गुरुग्राम के कुछ बड़े बड़े ऑफिसेस से हम यूँ गुजरते हैं। थोड़े देर आराम करने के बाद हम लोग निकलते हैं दिल्ली यात्रा में। हम लोग अभी जा रहे हैं कनॉट प्लेस की ओर, पर हमारा पहला डेस्टिनेशन हमने प्लान किया है कि हम लोग जाएंगे पुराना किला। तो ये रहे मैं, मेरे भैया, भैया के दो दोस्त अमन भैया और अमरेश भैया। स्टॉप 1 पुराना किला। पुराना किला अंदर जाने से पहले हम लोग करते हैं थोड़ी पेट पूजा, खाते हैं थोड़ा ऑथेंटिक दिल्ली का स्ट्रीट फूड, जिसमें इंक्लूडेड रहता है छोले भटूरे, नूडल्स और पानी पूरी। और ये रहे पुराने किले के अंदर के कुछ दृश्य। स्टॉप नंबर 2 उग्रसेन की बावली। यहाँ पर आपको अगर याद होगा तो पीके और सुल्तान जैसी कुछ फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और ये दिल्ली का एक बहुत ही फेमस स्पॉट है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसे एक्सप्लोर करते हैं और ये रहे उग्रसेन की बावली के कुछ दृश्य। स्टॉप नंबर 3 दिल्ली का सबसे फेमस इलाका कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस को दिल्ली का हब भी कहा जाता है, दिल्ली का सेंट्रल पॉइंट भी कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही पॉश इलाका लगता है ये, बहुत ही बड़े बड़े शॉप्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के शॉप हैं और ये हमेशा बहुत चहल पहल रहती है। पर्सनली ये मुझे दिल्ली का बेस्ट स्पॉट लगा, क्योंकि यहाँ की वाइब बहुत अच्छी थी, यहाँ का एटमोसफेयर बहुत अच्छा था और यहाँ का चहल पहल देख के मुझे बहुत मज़ा आया। नंबर 4 हम लोग आते हैं अंडरग्राउंड, जो था कनॉट प्लेस के बिल्कुल ही नीचे और इस जगह का नाम है पालिका बाजार। यहाँ पर आपको कपड़े, जूते, हुडीज और जैकेट्स बहुत ही सस्ते रेट पर मिल सकते हैं। मैं यहाँ पर आया था इंडिया की जर्सी खोजने के लिए, टू सपोर्ट इंडिया फॉर द वर्ल्ड कप फाइनल, बट थोड़े देर बाद मुझे बोला गया कि मैं यहाँ शूट नहीं कर सकता, अदरवाइज मुझे फाइन देना पड़ेगा। सो तो दिल्ली में इतनी जगह घूमने के बाद हो चुकी है शाम और रात में हमारी ट्रेन है, मेरी और भैया की, फॉर हरिद्वार, जहाँ हमारे परिवार छठ कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं दिल्ली का बहुत ही फेमस मेट्रो फैसिलिटी। यहाँ मेट्रो देखकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि मैंने बैंगलोर का मेट्रो यूज़ किया है एंड ऑन अ पर्सनल नोट, दिल्ली का मेट्रो वॉज फार 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 बेटर दैन व्हाट बैंगलोर हैज़ टू ऑफर। फाइनली दिल्ली के सफ़र को ख़त्म करते हुए रात में हम पहुँचते हैं ओल्ड दिल्ली जंक्शन, जहाँ से मैं जाता हूँ हरिद्वार की ट्रेन की। We are off to Haridwar to start the Chhath Puja celebrations. और ये सुबह के अराउंड 6 बजे हम लोग पहुँचते हैं हरिद्वार और जैसा आप देख सकते हैं लोग जल्दी जल्दी हरिद्वार उतरने को आतुर हैं, क्योंकि स्टॉप बहुत ही छोटे समय का था। तो इसी तरह होती है छठ पूजा की शुरुआत। छठ का पहला दिन ये है नहाए खाए। यहाँ हम लोग जाते हैं हमारी फुआ और चाची के साथ
घाट पर जहाँ पर वो स्नान करते हैं और हम लोग भी स्नान करते हैं। उसके बाद हमारी जो छठ व्रती फुआ और चाची हैं वो लोग खाना खाएंगी, फिर प्रसाद के रूप में हमें वो खाना मिलेगा। तो ये था वो घाट जहाँ हमने छठ की शुरुआत की। सो ये है हमारा छठ का स्टे। हमने आज नहाए खाए का की क्रिया पूरी कर ली है और अभी छठ के इस पावन पर्व में 3 दिन और बचे हैं। हमारा परिवार यहाँ बहुत वर्षों से छठ मनाता आ रहा है। हरिद्वार में गंगा जी के पानी को सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। एक समय था जब यहाँ पे छठ मनाने वालों की गिनती उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट धीरे धीरे लोगों ने छठ को थोड़ा माना। श्री जयराम आश्रम हरिद्वार, तो यहाँ हम लोग करेंगे अपनी छठ की सारी क्रिया। अब छठ की सारी क्रिया हमें करनी है तो आश्रम ही क्यों। बात है कि होटल में और आश्रम में वो फ़र्क है कि होटल में आप अपना तरह से कुछ कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते और छठ एक ऐसा पर्व है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हमें सेल्फ वर्क की बहुत ज़रूरत रहती है, तो इसलिए आश्रम छठ के लिए सबसे ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। हमारा परिवार यहाँ बहुत वर्षों से छठ मनाता आ रहा है। करीब 2013 से मुझे लगता है जब तक कोविड नहीं हुआ तब तक हर साल हम लोग यहीं आ रहे थे। मैं यहाँ खुद 5 वर्षों बाद आया हूँ, 2018 में मैं लास्ट आया था। उम्मीद कर रहा हूँ इस बार के छठ हर बार के छठ की तरह बहुत अच्छा बीतेगा। सो देखते हैं कैसा जाता है। नहाए खाए के पूरा होने के बाद हम लोग जाते हैं माँ मनसा देवी के मंदिर जो कि है पहाड़ के ऊपर। तो हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ का उड़न खटोला सिस्टम जो आप देख सकते हैं इस सुंदर दृश्य के साथ आता है। जल्दी ही सही आँखों के किनारों में बहाने ही सही, हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। जमीन से कई फीट ऊपर डर तो लगता है बट ये उड़न खटोला सिस्टम बहुत ही वर्षों से यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है और जहाँ तक मुझे याद है शायद ही यहाँ पर कोई घटना की ऐसी खबर आई है। तो अगर आप भी यहाँ जा रहे हैं तो आप यहाँ निश्चिंत होकर ये उड़न खटोला सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। मुझे थोड़ा ऊंचाई से डर लगता है तो वीडियो बनाने में मेरे थोड़े हाथ हिल रहे थे और फिर भी मैं यूँ रहा कुछ मस्ती में। तेरा हमें धड़कने भी तेज है अब क्या करें, ओ वक्त है तो जीन दे, दर्द है तो सीन दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। मनसा देवी के दर्शन करने के बाद हम लोग जाते हैं माँ चंडी देवी के यहाँ जहाँ पर फिर से हमें वही उड़न खटोला की सर्विस लेनी होती है। तो ये रहा मैं और मेरे भैया और हमारे कजन्स, तो हम लोग जाते हैं फिर से पहाड़ की ओर। साथ हमारा माँ चंडी देवी का दर्शन भी पूरा होता है और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे की ओर जिसके लिए हमें एक बार फिर उड़न खटोला सर्विस की जरूरत पड़ेगी। मैं किसी हवाओं में चले हैं हम कहीं, हम जो चाहे दिल को वो बताए। हम लोग आए हरिद्वार के सबसे फेमस जगह, हरिद्वार की सेंटर स्पॉट कही जाने वाली जगह हर की पौड़ी पर। हर की पौड़ी पर हम लोग आए हैं अभी शाम में गंगा दर्शन देखने के लिए, गंगा आरती देखने के लिए, जो कि एक बहुत ही सुंदर दृश्य होता है।
भैया गाइडेंस आइए मेरे साथ गंगा दर्शन का नाम। तो भैया हम लोग कहाँ हैं? सकते हैं गंगा आरती शुरू होने से पहले यहाँ पर कितनी विशालकाय भीड़ है। लोग गंगा जी के दोनों ही तरफ बहुत ही ज़्यादा नंबर में भरे हुए हैं और सबको आज गंगा आरती का लाभ उठाना है। तो आइए ये लाभ आप मेरे साथ भी उठाएं। तो हर की पौड़ी पर गंगा दर्शन पूरे होने के बाद हम लोग जाते हैं थोड़ा और घूमने के लिए, जहाँ पर हम लोग खोजते हैं खाने की कुछ जगह, क्योंकि हर की पौड़ी पे माना जाता है हरिद्वार का सबसे ही टेस्टी फूड मिलता है। तो हम लोग निकले हैं उसी की तलाश में। त्योहारों की सबसे अच्छी बात यही होती है कि आपको अपने परिवार से गेट टुगेदर करने का मौका मिलता है, और इसी प्रकार हम लोग अब कजन्स मिलते हैं और पहले दिन का अंत करते हैं एक गेम के साथ। छठ का दूसरा दिन खरना। यहाँ पर शाम में हमारी जो छठ व्रतियाँ हैं वह खीर बनाती हैं और हमें खाते हैं, पर हम लोग सुबह आए हैं गंगा स्नान के लिए। ये रही हमारी फुआ और चाची जिन्होंने छठ किया है और शाम में ये हमें गुड़ की बनाई खीर प्रसाद के रूप में दे रही। खरना की खीर खाने के बाद हम लोग सब लोग बहुत ही कल के टेंशन में थे, क्योंकि कल था इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। पर हम लोग फिर से कजन से लोग मिलते हैं रात में और खेलते हैं उन्हों। आज है छठ का तीसरा दिन संध्या अर्घ। हम लोग फिर से सुबह जाते हैं गंगा घाट की ओर, वहाँ हम लोग करते हैं स्नान। पर आज सबके ही दिलों में थोड़ा सा डर और थोड़ी सी टेंशन भी है, क्योंकि आज है इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल। हम लोग उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा जाए, पर उससे पहले हम लोग जाते हैं संध्या आरती।
संध्या अर्घ खत्म होता है और हम लोग लौटते वक्त बहुत ही टेंशन में रहते हैं, क्योंकि इंडिया ने बहुत बड़ा स्कोर नहीं बनाया रहता है और सब लोग इसी चिंता में है कि क्या हम लोग टोटल डिफेंड कर पाएंगे कि नहीं। इस दिन क्या हुआ मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, पर हम लोग जिस होटल में खाना खाने गए थे इन्होंने गाना उसी प्रकार लगा दिया। इंडिया के रिजल्ट के बाद सभी मायूस थे, खाना तो खा रहे थे पर शायद उस खाने में उतना स्वाद नहीं था, सभी बड़े उदास। बट क्या करें, अगर आप किसी स्पोर्ट को फॉलो करते हैं तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट डिफीट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। आखिरकार हम लोग पहुंचते हैं छठ के आखिरी दिन सुबहर की ओर, जहां हम लोग दौरी उठाते हैं और अपनी बुआ और चाची के साथ घाट की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां पर आज सूर्य भगवान की दिल से पूजा की जाएगी और छठ के इस पावन पर्व को इस साल एक अल्पविराम लगाया जाएगा। पानी कितना ठंडा था मैं बता तो नहीं सकता हूँ, बट पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, पर हमने हमारी बुआ और चाची से इंस्पिरेशन ली। इन्होंने तो पूरी तरह से डुबकी मारना था और हम तो आधे शरीर को गीला कर ही सकते थे, तो हम लोग भी इसी प्रकार घुस गए पानी में सपोर्ट करने के लिए और पूजा में थोड़ी हेल्प करने के लिए। और ये रहे कुछ दृश्य सुबह के। सूरज के साथ ये रही हमारी फुआ और चाची छठ पूजा करते हुए, और इसी प्रकार हम लोग आते हैं छठ के इस वर्ष की समाप्ति पर। और ये रहे कुछ अंतिम पूजा के दृश्य जिसके बाद हमें प्रसाद दिया जाएगा। प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब सभी लोग जा चुके थे तो मैं आता हूँ गंगा जी के दर्शन करने एक आखिरी बार, जिसके बाद मैं वापस लौट जाऊँगा दिल्ली की ओर और फाइनली फिर मैं लौट जाऊँगा अपने कॉलेज की ओर। तो ये रहे नंदी जी जो यहाँ विराजमान हैं, इनके दर्शन लेते हुए हम लोग अपना सफ़र ख़त्म करते हैं और लौटते हैं वापस आश्रम की ओर, जिसके बाद हम लोग लौटेंगे दिल्ली की ओर। आश्रम से निकलते वक्त मैं भावुक ज़रूर था, क्योंकि मैं यहाँ 5 साल बाद आया था और यहाँ 4 दिन हमने कुछ इस प्रकार जिए जो शायद हमें बहुत वर्षों तक याद रहेंगे। बहुत मज़ा आया, छठ पूजा हमने बहुत ही मन से समाप्त की और इसी प्रकार हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली पहुँचने के बाद हम लोग करते हैं रात में अपनी नींद की पूरी और अगले दिन हम लोग निकलते हैं फिर से दिल्ली दर्शन के लिए, जो कि मेरा दिल्ली का आखिरी दिन था, जिसके बाद रात में मेरी फ़्लाइट थी टू बैंगलोर। तो दिल्ली में हम लोग अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं आफ्टर वी लैंडेड इन दिल्ली, और सबसे पहली जगह हम लोग जाते हैं चांदनी चौक।
अली चौक में अपने पेट पूजा की शुरुआत हम लोग करते हैं कन्वर जी छोले भटूरे से, जो यहाँ पर मैं टोकन लेकर खड़ा हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी बारी का। और ये रहा दुकान 360 व्यू। और उसके बाद हम लोग जाते हैं दही वड़े खाने। दही वड़े मुझे बहुत अच्छे लगे, पर मेरे साथ जो बाकी भाई बहन थे उन्हें थोड़ा दही वड़ा मीठा लगा। तो अगर आपको अच्छे दही वड़े खाने हैं तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद पास में ही हमने खाए फिर पानी पूरी। फिर आइए मैं ले चलता हूँ आपको पराठे वाली गली, पर आपको यहाँ पर मेरे साथ स्ट्रगल करना पड़ेगा। बादल की कॉलोनी दिखला दे ठेंगा इन सबको जो उड़ना ना जाने। तो फाइनली बहुत जद्दोजहद के बाद मैं पहुंचता हूं पराठे वाली गली के अंदर अपने सामान के साथ, क्योंकि मुझे यहां के बाद सीधे एयरपोर्ट जाना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं दीदी, ये नान खटाई कैसी है? नान खटाई खाने बहुत अच्छी, जो हमें बहुत ज्यादा पराठे वाली गली के अंदर आती है। अगर आपको यहां का एड्रेस चाहिए तो आपने देखा पराठे वाली गली में सबसे पहली दुकान। फिर हम लोग जाते हैं लस्सी पीने के लिए। लस्सी मैंने नहीं पी क्योंकि मुझे थोड़ी सर्दी थी, पर जिन्होंने लस्सी पी यहाँ से पी और वो कहते हैं उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आई, तो आप भी अपना डिसीजन इस हिसाब से ले सकते हैं। क्योंकि अब छठ खत्म हो चुका था और अब हम लोग खा सकते थे नॉनवेज, तो हम लोग जाते हैं जामा मस्जिद की ओर, जहाँ पर बहुत ही फेमस नॉनवेज एरिया है अगर आपको कुछ मटन और चिकन ट्राई करना हो तो। इसी प्रकार हम लोग बढ़ते हैं जामा मस्जिद की ओर, और ये रहा बहुत ही सुंदर जामा मस्जिद। याद तेरे रखते हो? अच्छा, तुझे क्या गम। सो हमारे साथ हैं नेटिव दिल्ली के दो लोग। आपका कैसा एक्सपीरियंस है दिल्ली में रहने का बताइए। वो गए गुजर दिल्ली के, ये वो गाजियाबाद से काउंट नहीं करते हम लोग। मजेदार एक्सपीरियंस रहा है दिल्ली का, आई वुड से करीम्स आई है, विजिट करीम्स। तो अभी हम लोग करीम्स पर आए हैं। हमको मटन पसंद नहीं आया, ऑर्डरिंग हो रहा है यहाँ पे निहारी करीम्स में। हमने वहाँ खाना ऑर्डर किया और पर्सनली हमें खाना बहुत 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 ही ज़्यादा बेकार लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल खाना बहुत ओवर प्राइस था, पर फिर भी हमने खाना जब ऑर्डर किया तो करीम्स की जो क्वालिटी फेमस है हमें उसका बिल्कुल ही अपोजिट मिला। एंड वी हेटेड व्हाट वी एट, बट उसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि मेरी फ्लाइट की टाइम नज़दीक आ रही थी। तो हम लोग मेट्रो लेते हैं और हम लोग जाते हैं द्वारका की ओर, जहाँ मैं अपने कुछ लास्ट रिलेटिव से मिलूँगा और फिर वहाँ से निकलूँगा एयरपोर्ट की ओर। तुम खाओगे क्या? द्वारका जाने के लिए न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से हम लोग लेते हैं एयरपोर्ट लाइन, जो कि इंडिया का सबसे ही फास्टेस्ट मेट्रो स्टेशन है बिटवीन ऑल द स्टॉप्स इट कवर्स। तो एयरपोर्ट लाइन लेने के बाद हम लोग पहुंचते हैं द्वारका और फिर जाते हैं अपनी दीदी के। फाइनली हमारा सफ़र कुछ इस प्रकार ख़त्म होता है, जहां हमने की दिल्ली की सफ़र, हरिद्वार का सफ़र, और हमने पार्टिसिपेट किया बिहार के सबसे ही पावन और महापर्व छठ में, जहां पर हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और इसी प्रकार हम लोग लौटते हैं दिल्ली से बॉम्बे, फिर बॉम्बे से बेंगलोर की ओर। पर्सनली मेरे लिए ये सफ़र बहुत 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 ज़्यादा यादगार रहा, क्योंकि मैंने छठ में अपना योगदान 5 साल बाद दिया। और हर बिहारी चाहे दुनिया में कहीं भी हो, उसकी एक इच्छा ज़रूर होती है कि छठ महापर्व पर वह अपने परिवार के साथ रहे, इस महापर्व में अपना पूरी तरह से योगदान दे। और मैं बहुत सौभाग्यशाली था क्योंकि मुझे इस बार बिल्कुल ऐसा करने का मौका मिला। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं इस व्लॉग को एंड करना चाहूँगा।
जय सूर्यदेव और जय छठे मैया के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।